इस मटके के बारे में बताया जाता है कि यह मटका खुदाई के दौरान टीले में निकला था। बहुत बड़ा मटका है, ये 12 मण ना जाता है। इसमें हटकेश्वर गांव में ये मटका मिला। तो ये मटके और महाभारत कालीन कुछ तलवार धनुष वगैरह भी मिले थे यहाँ पर। धन्यवाद। अच्छा, कितने साल हो गए होंगे? तकरीबन 200 साल तो हो गए। 200 साल हो गए। अच्छा, 100 साल पहले मतलब आपके पिताजी ने मिला था ये मटका? हाँ जी। ठीक, कहाँ खेतों मिला था? खेड़े। तो जो खेड़े खुदाई करी थी वह किसके द्वारा की गई थी? कसियों से। कसिया के लिए खुदाई करी थी जब यो मटका लगड़ा था। तो यो मटका 12 मण ना जा जाए इसमें। तो मतलब यो मटका है जो एक मतलब बहुत ही प्राचीन धरोहर है, बताओ बहुत पुराना है, खुदाई के दौरान मिला है। तो इसने गिरडा के लाए थे खेता में जो खेड़े पते खाट की बाई टूट गई थी। अच्छा अच्छा अब जो ये मटका है, इतना बड़ा मटका है, 12 मण नाज आ जाए है, तो ये आपके गांव में रखे है। तो मतलब एक ऐतिहासिक मटका है ये, कहते हैं कि कौरव पांडवों से पहले का हो सकता शायद ये। मानो तो इस तरह के इतने बड़े मटकों का क्या करेगा, दानों के उपयोग में आने वाला मटका होगा उस समय का। तो ये मटका आपके गाँव में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आपके गाँव वालों ने रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? ये जी, कई बार तो इसको साइंटिस्ट लेने आ लिए संग्रहालय में रखने के लिए जी। लेकिन ये गांव की धरोहर है, गांव की शान है, इसलिए ये गांव में ही है मटका। अच्छा, इस ताऊ का क्या नाम है जिसका घर में उस मटका है? भीम सिंह एक्स सरपंच। तो इनके घर में ये मटका रखा हुआ है? इन्हीं के पूर्वजों ने ये मिला था खुदाई के दौरान, तो ये लाए थे यहाँ। गाँव था पहले पांदणी शहर, ये ऐसा का ऐसा जमीन में धस गया था, तो बहुत बड़े बड़े खेड़े थे, तो गांव वाले ने खेड़े खुदाई मिली करी, तो ये मटके और महाभारत कालीन कुछ तलवार धनुष वगैरह भी मिले थे यहाँ पर। धन्यवाद।